हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म राजी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में आलिया भट्ट के ऑपोजिट विकी कौशल हैं। राजी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस इंडियन पीरियड थ्रिलर से आलिया के फैंस और ट्रेड को काफी उम्मीदें हैं। फिल्म में आलिया ने एक जासूस की भूमिका निभाई है। केवल ब्रांड एंडोर्समेंट से आलिया रोजाना 1,00,000 रुपए कमाती हैं और इस फिल्म के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपीज लिए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो उनके पास $4 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। रिपोर्ट के मुताबिक आलिया ब्रांड से सालाना 3.6 करोड़ रुपीज कमाती हैं। आलिया इन दिनों कोका कोला, स्टैंडर्ड फैन, फिलिप्स, कॉर्नेटो, गार्नियर, मेक माई ट्रिप और फ्रूटी जैसे ब्रांड्स के विज्ञापन कर रही हैं। आलिया ने करीब 6 करोड़ रुपए का पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। फिल्मों और विज्ञापन के अलावा आलिया गाना गाकर भी पैसे कमाती हैं। आलिया ने 2014 में आई फिल्म हाईवे में एक गाना सुहा साहा गाया है, जिसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने 2016 में आई सुपरहिट मूवी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का गाना मैं तेनू समझावा की भी गाया है। इसके साथ ही उड़ता पंजाब में एक कुड़ी भी गाया है। आलिया भट्ट का बचपन पापा महेश भट्ट और माँ सोनी राजदान के जूहू स्थित घर में गुजरा है। हालांकि आलिया के पास अपना खुद का फ्लैट भी है, जो उन्हें पापा महेश भट्ट ने गिफ्ट किया है। ये घर जूहू वाले घर से कुछ ही दूरी पर है। फिलहाल इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपीज बताई जा रही है। आलिया अपनी बहन शाहीन के साथ इस घर में रहती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए।